Before we start today's video, let me tell you something that would help you to understand what I am doing during the video. This is my left click and this is my right click. Assalamu alaikum. Ye video ek tutorial hai aapke weekly task ka. To as usual, sabse pehle plane define kiya aur uske baad humne apna sketch banana shuru kar diya. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मिरर की कमांड आपका काम आधा कर देती है। मैंने इस शेप पर मिरर की कमांड लगाई डायमेंशंस के मुताबिक बनाने के लिए मैंने एक सेंटर लाइन लगाई। उसका डिस्टेंस नहीं आ रहा था तो मैंने डायमेंशन क्रियो 2 के लिए नॉर्मल की कमांड यूज की डायमेंशन लाने के लिए। इसी तरह ऊपर की डायमेंशन भी सही करने के लिए मैंने एक सेंटर लाइन लगाई और उसकी डायमेंशन भी सही कर ली। ये दो लाइंस मुझे दूसरी साइड पे भी चाहिए होंगी तो इसलिए मैं उन्हें मिरर कर लेता हूं। अब मेरा पार्ट तो काफी हद तक बन चुका हुआ है, लेकिन याद रखो कि एक्सट्रूड के लिए हमेशा आउटर बाउंड्री ही बनाओगे। ये आपको लाल पॉइंट्स जो नजर आ रहे हैं इसका मतलब होता है कि आपका ये एंड ओपन एंडेड है, तो एक्सट्रूड के लिए आपकी क्लोज आउटर बाउंड्री होनी चाहिए। ये इस वजह से आ रहे हैं कि इंटरनल फीचर्स बने हुए हैं, इनको रिमूव कर दो तो देखो शेडेड पार्ट भी हो गया। इट मींस कि अब हम इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। क्रियो में जब आप एक्सट्रूडेड पार्ट के साथ कोई स्केच बना रहे होंगे तो एक्सट्रूडेड पार्ट के एजेस का ध्यान रखने के लिए रेफरेंस लाइन यूज करें। अगेन रेड पॉइंट्स आ रहे हैं,
क्योंकि मेरी आउटर बाउंड्री नहीं बनी हुई। जैसे ही मैं इंटरनल फीचर्स डिलीट करूंगा, मेरी आउटर बाउंड्री बन जाएगी और वो शेडेड भी हो गया। अब बनाना रह गया रिब। मेरे पार्ट की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है, मैं कोई भी नया प्लेन बनाए बगैर रिब बना सकता हूं। और हमारा पार्ट कंप्लीट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को एक अलग से प्लेन डिफाइन करना पड़ेगा, तो उनके लिए मैं इसे डिलीट करके दोबारा से रिब बना देता हूं। सो आई हैव सिलेक्टेड अ सर्फेस और फिर जाके मैंने प्लेन पे क्लिक किया और एक ऑफसेट प्लेन बनाया, क्योंकि मुझे पता था यहां से 15 डिस्टेंस अंदर की तरफ एक प्लेन बनेगा जो कि मिड पॉइंट है। अब दोबारा से मैंने एक स्केच बनाया और जब उसे एक्सट्रूड करने की बारी आई तो उसे मैंने दोनों एक्सिस की तरफ सिमेट्रिकली एक्सट्रूड किया और उसकी डायमेंशन 10 रख दी। तो ये था आपका वीकली टास्क। अल्लाह हाफिज़।